अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे केले के गुलगुले। उसके लिए लेंगे नमक हाफ टी स्पून, एक कप शक्कर पिसी हुई, एक कप गेहूं का आटा, आधा कप दूध, रोज़ वाटर, एक कप मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और दो केले। ये केले अभी हम इसको मैश करेंगे अच्छे से। देखो हमारे पास जब केले एकदम से तैयार होते हैं, इसको जितना पका हुआ केला रहेगा उतने अच्छे बनते हैं। तो हम अक्सर केले कोई खाता नहीं है घर में, तो ये बनाओ बहुत अच्छा रहता है। इसका केले का जो फ्लेवर आता है बनने के बाद बहुत अच्छा रहता है। इसे अच्छे से मैश करेंगे हम और इसको हाथ से ही करना है। केले मैश करके हो गया, उसमें हम मैदा ऐड करेंगे। उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी गेहूं का आटा डालेंगे हम, एक एक करके चीज़ डालेंगे, एक साथ नहीं सब डालना है। शक्कर डालेंगे, पहले हम गेहूं का आटा और मैदा डाल के मिक्स करेंगे, उसके बाद शक्कर डालेंगे, ध्यान रखें। अभी इसमें हम नमक डालेंगे, और सोडा डालेंगे। और 2 टीस्पून इतना मैंने इसमें रोज़ वाटर लिया है। अभी दूध डालेंगे इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके, और इसे 1 से 1.5 घंटा ढक के रखना है। और थोड़ा सा येलो फूड कलर लिया है मैंने, क्योंकि इसको बनने के बाद फिर कलर उसका बहुत अच्छा आता है। अब ये रेडी हो गया 1 से 1.5 घंटे में। अब एक कढ़ाई में हम तेल लेंगे और इसे फ्राई करेंगे। बारिश के मौसम में बहुत अच्छे लगते खाने। एक एक करके इस तरीके से हम फ्राई करेंगे। देखो ये किस तरह से फूल गए, गोल गोल हो गए पूरे। देखो फ्राई करके हो गए। इसी तरीके से हमने सब फ्राई कर दिया है। अभी इसे हम सर्व करेंगे। देखो कितने अच्छे दिख रहे, रेडी हो गए।
देखो अंदर से भी कितने अच्छे पक के तैयार हो गए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे मम्मा की ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।